खबर भागलपुर से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डीआईजी सुजीत कुमार ने रेंज के तीनों जिलों के पुलिस कप्तान के साथ बैठकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। डीआईजी ने जिलावार भागलपुर, बांका और नवगछिया में चुनाव की तैयारियों का रिव्यू किया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहाँ कोरोना काल में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसलिए चुनाव के दौरान कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जरूरी गाइडलाइन का पालन हो, इस पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा शराब माफियाओं, बदमाश और चुनाव प्रभावित करने वाले जेल के भीतर भेजे जाएंगे। तीनों जिलों में यह अभियान शुरू हो गया है। बांका और भागलपुर जिले की सीमा देवघर, गोड्डा और साहिबगंज अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट बनाकर जांच और चुनाव के दौरान इसकी सीलिंग का भी इंतजाम करने को कहा है। भागलपुर रेंज के तीनों जिले में चुनाव के दौरान सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। फोर्स के आकलन के साथ तीनों जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि उसे मुख्यालय भेजा जा सके। फोर्स के रहने, गाड़ी, चुनाव पोशाक के गठन आदि पर भी चर्चा की गई। आज बहुत मूलतः आज जो है हम लोगों ने चुनाव से संबंधित जो तैयारियां हैं पुलिस की, उस संबंध में बैठक जिले के पुलिस अधीक्षक, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक जो इस रेंज में हैं उनके साथ की और उनकी तैयारियां कैसी हैं, चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके, इसके लिए जो भी तैयारियां आवश्यक हैं उसकी समीक्षा की गई। बलों के रहने के लिए आवासन की क्या व्यवस्था की जा रही है, केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति भी होगी इस बार के चुनाव में और उनकी संख्या भी अधिक होगी, इस कारण से उनके आवासन की क्या व्यवस्था है, वाहनों की आवश्यकता होगी, वाहनों की व्यवस्था क्या की गई है, पुलिस केंद्र में चुनाव से संबंधित जो कोषांग बनाए गए हैं सब वो बने हैं नहीं बने हैं, स्थानांतरण के बहुत सारे आदेश जो पुलिस मुख्यालय एवं इस कार्यालय से भी निर्गत किए गए हैं उनका अनुपालन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके अलावा जो भी चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, निरोधात्मक जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो हो रही है या नहीं हो रही है, सीसीए के तहत प्रस्ताव समर्पित किया जाना है उस पर क्या प्रगति हुई है, जो वारंट कुर्की का निष्पादन है उसमें क्या हुआ है, और शराब इत्यादि में पूर्व में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, पूर्व के केसेस में चार्जशीटेड रहे हैं, विशेषकर माफिया तत्व जो हैं, शराब बिकवाने वाले जो लोग हैं, जो बेचते हुए पकड़े गए उन पर तो कार्रवाई हो लेकिन जो बिकवाते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी है, चुनाव में उनके तरफ से कोई अगर जो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा हो तो ऐसी कोई सूचना है नहीं है, इन सभी विषयों पर विस्तार से आज हम लोगों ने चर्चा की है और आंकड़ों के साथ बैठकर बैठक आज हुई है और सभी पुलिस अधीक्षक ने अपने अपने जिलों के बारे में अवगत भी कराया है। इसके अलावा आने वाले पर्व जो हैं जैसे दशहरा और दीपावली इत्यादि, काली पूजा, उसको लेकर भी क्या तैयारियां करनी हैं, क्या की जानी हैं, क्या की जा रही हैं, इन संबंध में भी हम लोगों ने आज बैठकर समीक्षा की है। कोविड को लेकर अभी भी बहुत सारे दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उनका भी अनुपालन हो रहा है या नहीं, इन सभी विषयों पर गहन समीक्षा आज की गई है। दियारा को लेकर क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए थे को लेकर? अब स्पेसिफिकली कुछ दो तीन अलग से जो विषय जो सुरक्षा से संबंधित, एहतियात बरतने से संबंधित है, उसमें एक तो दियारा आपने कहा, दियारा और दियारा में रहने वाले अपराध कर्मी जो हैं उनके ऊपर क्या अभियान चलाना है, कैसे करना है उनकी गिरफ्तारी, या अगर वो गिरफ्तार हैं तो उनके ऊपर क्या प्रस्ताव समर्पित करना है, इन विषयों पर भी समीक्षा की गई है। बट बांका जिला नक्सल प्रभावित भी है और नक्सल प्रभावित उस जिले में चुनाव शांतिपूर्वक कैसे होगा इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है और जो लोग जेल में हैं उनके ऊपर भी उनके ऊपर प्रभावी निगरानी रखी जाए इस संबंध में भी हम लोगों ने बात किया है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560
9560 9560 4 64170.